अश्विनी काकू पूरे परिवार को जाकर बता देगी कि किस तरह विराट देना चाहता है पाखी को डाइवोर्स। डिवोर्स दे रहा है क्या? तलाक? हम में से और किसी को ये बात पता थी क्या? अश्विनी, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। पहले ही बात बहुत बिगड़ चुकी है, इसमें कूद कर तो आग को और हवा बनते। वही नहीं, आपको हवा अश्विनी नहीं विराट दे रहा है। ये बात सिर्फ पति पत्नी के बीच के झगड़े की या मनमुटाव की होती तो वो बात पति और पत्नी के बीच की होती है। लेकिन इस तरह से ये शादी तोड़ना, तलाक देना, ये सिर्फ पति पत्नी के बीच की बात नहीं है, ये पूरे परिवार का मामला है। अग्रलेखा सिर्फ विराट की बीवी नहीं है, हमारी बहू है, हमारे पोते की माँ है। अगर विराट उसे तलाक देने की सोच भी रहा है तो सोचने से भी पहले उसे हम सबसे परिवार के साथ बात करनी चाहिए थी। परिवार के एक सदस्य को परिवार से दूर करने से पहले हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा उसने? ये क्या हो गया है विराट को? पाखी का गुस्सा इस तरह बढ़ चुका है कि अब वो विराट को नहीं देगी एक भी मौका अपनी बात रखने का। पाखी, 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 प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे समझाने का मौका तो दो। अब समझने समझाने के लिए बाकी क्या रह गया विराट? तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया है, मेरी बेइज्जती की है तुमने, पर अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात रखने का मौका दूं ताकि तुम मुझे मेरी बर्बादी की कहानी सुना सको, मुझे समझा सको। एक बार सुन लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज हो क्या गया सबको, मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है? बाकी मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। भलाई है तुम्हारी उसमें। पाखी लगाएगी विराट पर इल्जाम पर इल्जाम और गुस्से में पकड़ लेगी उसका कॉलर। कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, एक दो बार सच में कोशिश की थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं ना सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सही वक्त? कौन से सही वक्त की बात कर रहे हो तुम विराट? अपने मिशन के दौरान गोलीबारी के बीच जब तुम सही को प्रपोज कर रहे थे, क्या वो था तुम्हारा सही वक्त? एक सच्चे आशिक की तरह जब तुम अपनी महबूबा को हाले दिल बयां कर रहे थे, उसकी हाँ का इंतजार कर रहे थे, क्या वो था तुम्हारा सही वक्त? या फिर वो तुम्हारा सही वक्त था जब तुम मेरी दुनिया उजाड़ के सही को ये कह रहे थे कि वो तुम्हारी दुनिया है? बोलो विराट, किस सही वक्त की बात कर रहे थे तुम? बोलो अब चुप क्यों हो? कब आने वाला था तुम्हारा वो सही वक्त? सही के हाँ कहने के बाद? या फिर वो था तुम्हारा सही वक्त जब तुम सही को तलाक के पेपर्स दिखा रहे थे जिन पर तुमने विराट से करेगी पाखी सवाल कि क्या वो उसे उसके पैर की जूती समझता है? एक्स वाइफ को तलाक के पेपर्स दिखाए ताकि तुम उसे सबूत दे सको, उसे यकीन दिला सको कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या तुम मुझे अपने पैर की जूती समझते हो? यही लगता है ना तुम्हें? तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे मैं सब कुछ झेल लूंगी। तुम मेरे साथ गलत करो, मेरे साथ बदतमीजी करो, मेरा तमाशा बनाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, मैं सब कुछ चुपचाप झेल लूंगी, यही लगता है ना तुम्हें? बोलो विराट, यही लगता है तुम्हें? वो तो किस्मत से मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे क्या औकात है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी नजरों में।